ड्राइवर भाई 21,000 किलोमीटर चल के इंट्रोडक्शन टे नहीं जा ना टाइम नाला कि बर्तमान अच्छे टाइम नहीं जा। नमस्ते सर, आपका नाम थोड़ा बोल दीजिए। आप कितने दिन हो गए ड्राइविंग करते हुए इस गाड़ी पे? 22 दिन हो गए आज। आपको ड्राइविंग को कैरियर को कितने दिन हो गए? कितना दिन गाड़ी चला रहे हैं? 17-18 साल हो गए। 17 साल। और ये उड़ीसा में आके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील सच में हो रहा है या वीडियो करने से? सच में ही हो रहा है। सच में हो रहा है। यहाँ पे रोड कंडीशन आपको कैसा लगा? अच्छा रोड कंडीशन भी। गाड़ी के ऊपर आए इंजन, आपको पहले तो आप इंजन बोलिए, BS6 Phase 2 का जो इंजन है 5 लीटर टर्बोटोन 2.0 इंजन, आपको कैसा लगा गाड़ी में? इंजन भी मस्त है इसका, एक नंबर इंजन है। आप तो पहले भी टाटा का गाड़ी चलाते हैं, उसमें इसमें क्या फर्क है? उसमें और इसमें काफ़ी फर्क है, ये पावर ज़्यादा है इसमें जी, पिकअप भी अच्छा है जी, उससे भी मजबूत इंजन है। अगर घाट के दौरान आपको कैसा पावर फील होता है यहाँ? अच्छा फील होता है घाट में। अच्छा फील होता है, और गाड़ियों से अच्छा है। और बैटरी कंडीशन अभी तो 21,000 चला गया है, बैटरी का कंडीशन कैसा है? सब काम करता है, इलेक्ट्रिकल सब काम करता है? सब कुछ काम करता है, अभी तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बैटरी चार्ज हो नहीं हो रहा है, पावर नहीं दे पा रहा है, ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा जो होता है वो DF टैंक जो होता है, DF टैंक कितने? 60 लीटर जो होता है DF टैंक, जो यूरिया होता है। हाँ यूरिया जी। तो उस वो हमारा कितने किलोमीटर के चलाने के बाद वो डालना पड़ेगा आपको? करीबन 2,500 किलोमीटर के बाद फिर। 40 लीटर टैंक आप 2,500 किलोमीटर भीतर सजा। गाड़ी का बॉडी के बारे में, गाड़ी का बॉडी आपको कैसा लगता है, कैसा फील होता है? सॉफ्ट बॉडी, अच्छा है, फिनिशिंग अच्छा है। इसका रूप कैसा लगता है गाड़ी? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अगर ग्लास एरिया के बारे में बताए, सभी चीज़ें दिखाई देते हैं? सभी चीज़ दिखाई देते हैं, ग्लास भी, साइड ग्लास अच्छे हैं। ऐसा कभी लगता है कि कोई गाड़ी कोई छूट रहा है या ब्लाइंड स्पॉट हो रहा है? पूरा साइड दिखता है। अगर कोई कुत्ता नीचे सो रहा होगा, अगर बिल्ली सो रहा है, सामने ग्लास लगा होगा, आप ग्लास एरिया देखी पाते हैं। मिरर आप सबपटे लगी, आप जहाँफल तले भी जी सोई थो कु बिले हो आप आराम से जाने की चल पारे। मेन कथा हमारा जो होता है हमारा इकोनोमी मोड आपको कैसा लगता है, पावर कैसा लगता है और माइलेज कितना आता है आपको? पावर में माइलेज थोड़ा कम आएगा लेकिन पिकअप अच्छा रहेगा। इको मोड में? इको में माइलेज भी अच्छा रहेगा, प्लेन रास्ता में इको में गाड़ी चलेगा भी अच्छा। अब अगर आप इको में हो तो आपको 80 तक पहुँचने के लिए, गाड़ी स्टार्ट करने से 80 तक पहुँचने के लिए कितना समय लगता है? नॉर्मल इको मोड में 2 मिनट। 2 मिनट लगते हैं। 2 मिनट। अगर पावर मोड में हो फुल फॉर्म 1.5 मिनट जल्दी पहुँचते। घाट के दौरान आपको ऐसा लगा है कभी कि हमको थोड़ा ज़्यादा पावर चाहिए या इंजन अभी सांस नहीं ले पा रहा है, इंजन को कोई दिक्कत हो रहा है, सस्पेंशन में भी हो? कुछ नहीं हो रहा। कोई महसूस नहीं हुआ ऐसा। ऐसा कोई फीलिंग नहीं आया कि पावर दे नहीं दे? कोई फीलिंग नहीं आया ऐसा। उबड़ खाबड़ रास्ते के बारे में पट्टी आप देख पाते 6 पाखापाखि, आपड़ी 3 पट्टी लगी पाखापाखि, आपको सस्पेंशन भी आप पचर भी लगी, बहुत ही पावरफुल पट्टी लगी, जहाँफल लोड आप मैक्सिमम लोड जी आप नहीं कि जापर 21,000 किलोमीटर चलला पर भी टायर हालत देखिपारे कौ कंडीशन अच्छी। टायर आप सैज भी कहते 20 इंच टायर भी रोचे। तेरे टर्बोट्रन गाड़ी जदि कह 2.0 5 लीटर इंजिन T19 गाड़ी आपको केमी लगे कमेंट कराया जानती न भूलती। ये देखते 5 लीटर टर्बोट्रन 2.0 इंजिन BS6 Phase 2 कंप्लेंट, आपको माइलेज जबरदस्त दबा सांगे सांगे लोड कैपेसिटी नहीं जाए सांगे सांगे, गाड़ी टॉर्क हो पिकअप हो गाड़ी इंजन वाइब्रेशन कथा कहू हो सब जिनस आपको मिनिमल मिलियो, किंतु अधिक जिनस मिलियो कौन आप माइलेज अधिक मिलियो, जहाँफल आप खर्च कमिजी आप पैसा बेस इनकम करेंगे। इंजिन पूरा आप देखते गाड़ी आप 21 दिन है चलना 21,000 किलोमीटर कंटिन्यूस पूरा कंटिन्यूस चलिए आप देखिपे इंजिन में कौन सी जिनस एमि ना देखा इंजिन उपर किसी प्रेसर पड़ू। गाड़ी पावर ऑलरेडी कही दीजिए 204 PS आप 850 NM टॉर्क मिल जाव गाड़ी रे। आउ गाड़ी आप कह प्राय पाखापाखि 25-26 डिग्री आप ग्रेडेबिलिटी भी रोचे, जहाँफल लोड नहीं कि जीवाक कौन असुविधा हम ना। आपका आपका स्पीड जो मेंटेन करते हैं कितने स्पीड में मेंटेन करते हैं गाड़ी हाईवे में? सर हम 80 की स्पीड पे 75-80 चलते हैं। RPM कितना देता है? RPM 15 देते हैं। 15 देते हैं, उस 15 के ऊपर नहीं जाते नहीं। उसी दौरान आपको माइलेज कितना मिलता है इंजन का? 5.5 प्लस मिलता है। जो पुराना गाड़ी है टाटा का और ये गाड़ी में आपका इंजन का जो डिफरेंस पावर है, वाइब्रेशन है, पिकअप है, टॉर्क है, पावर है, कैसे आपको लगता है? सर उसमें बहुत फर्क है पुराने गाड़ी में और नया में। जैसे कि क्या क्या फर्क आपको लगता है? इसमें पिकअप अच्छा है जी, सबसे बड़ी बात पिकअप की होती है। पिकअप अच्छे होने के साथ माइलेज भी अच्छा हुआ है। हाँ माइलेज भी अच्छा है इसका, पिकअप है तो माइलेज भी है, पिकअप नहीं है तो माइलेज भी नहीं है। गाड़ी में लोड कितना अभी डाला हुआ है? गाड़ी में 9 टन लोड है। 9 टन
अपना लोड के साथ भी आपको पता चलता है ये गाड़ी लोड में है या बिना लोड में? इसमें ऐसा ही मालूम नहीं होता गाड़ी लोड है, ऐसा लगता है गाड़ी अनलोड चल रही है। अगर आपके पास ये ट्रक होता तो एक दिन में आप कितना किलोमीटर मैक्सिमम चला सकते हैं इसको? सर हम 1200 किलोमीटर इसको चला सकते हैं एक दिन में, एक दिन 24 घंटे में दोनों। अगर लोड के साथ आप लेके जा रहे हो, अब अभी तक इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस कैसा है ट्रक का? अच्छा ब्रेकिंग, अच्छा ब्रेकिंग, ब्रेक की वजह से इतना सफर काट पाते हैं, ब्रेक डाउन रहे इतना सफर नहीं कटेगा। भरोसा आता है कि हम गाड़ी अच्छे से चला सकते हैं, सेफ भी रह सकते हैं? सेफ रह सकते हैं। और 21,000 किलोमीटर चलाने के दौरान ऐसा कभी लगा है कि अभी नहीं होगा, अभी थम जाते हैं और नहीं हो पाएगा? कभी महसूस नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं कि 30 दिन के बजाय हम 29 या 28 दिन में अपना सफर तय करें। दो दिन से पहले ही सोचते हैं कि सफर कवर हो जाए हमारा।